हेलो दोस्त, इन ट्रिक का यूज करके आप अपने चैनल पे सिर्फ एक वीडियो डालो और सिर्फ एक वीडियो से आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मुझे सिर्फ एक वीडियो से 1200 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, जबकि चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। और अगर वॉच टाइम की बात करते हैं तो सिर्फ एक वीडियो से मुझे 6000 से भी ज्यादा घंटे का वॉच टाइम मिला है, आप यहां पे देख सकते हैं। और चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए सिर्फ 4000 घंटे का वॉच टाइम की जरूरत होता है, यानी कि सिर्फ एक वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। यानी कि इन सभी ट्रिक का यूज करके अगर आप वीडियो बनाते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम का क्राइटेरिया होता है चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए, वो सिर्फ एक वीडियो से पूरा हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रो बोनस टिप्स भी दूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके चैनल पे काफी तेजी से सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, जिससे आपका चैनल का ग्रो काफी फास्ट होगा। और 3 नंबर पॉइंट ऐसा है जिसके बिना तो यूट्यूब पे व्यूज आ ही नहीं सकता, किसी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा अगर आप 3 नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। और 5 को तो कभी मिस मत करना, क्योंकि यही वो सेटिंग है जिससे आपकी वीडियो पे व्यूज आता है, आपका वीडियो वायरल होता है। तो हर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, मिस मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे हर पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, अगर एक भी पॉइंट को आप मिस कर देते हैं तो फिर आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो सिर्फ एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है मेक सर्चेबल कंटेंट। आपको स्टार्टिंग से ही अपने कैटेगरी से रिलेटेड ऐसा कंटेंट बनाना है जो व्यूअर सर्च करते हैं, यानी कि आपको सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरा वीडियो है ओपन कैमरा, इसे लोग सर्च करते हैं, क्योंकि ओपन कैमरा जो ऐसा एप्लीकेशन है जिससे वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी सेटिंग होता है जिसे अगर मिस कर देते हैं तो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैंने इन सारी सेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और ये सर्चेबल कंटेंट है, हर किसी को इसके बारे में जानना होता है, चाहे वो ब्लॉगिंग का वीडियो बनाता हो या फिर कुकिंग का वीडियो बनाता हो, गेमिंग का वीडियो बनाता हो, यानी अगर YouTube पे वो वीडियो बनाता है तो उसके पास एक कैमरा का अच्छा एप्लीकेशन होना चाहिए जिसकी सारी सेटिंग को वो मैन्युअली कंट्रोल कर सके। तो हर किसी को इसकी जरूरत थी और मैंने जरूरत के हिसाब से वीडियो बनाया, यानी हर कोई इसे सर्च करके देखता है। आपका ब्लॉगिंग का चैनल हो, आपका कुकिंग का चैनल हो, जैसा भी चैनल हो, आपको यहाँ पे सर्चेबल कॉन्टेंट बनाना है। मान लीजिए आपका ब्लॉगिंग का चैनल है तो आप अगर बनाते हैं वीडियो, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये मेरा गाँव है, ये मेरा शहर है, तो वहाँ पे इस तरह के कॉन्टेंट को नहीं देखा गया, क्योंकि आपका फेस वैल्यू उस तरह का नहीं है, आप उतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं बने हैं जो आपको देख के लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में सर्चेबल कंटेंट ढूंढना है, जैसे मान लीजिए जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, या फिर अपने आसपास का जो सर्चेबल कंटेंट है, जो फेमस है, आपको उस पे वीडियो बनाना है, ताकि आपके लिए नहीं लेकिन उस फेमस जगह के लिए वीडियो देखें। जैसे मान लीजिए आपका एक कुकिंग चैनल है और आप यहाँ पे एक कंटेंट बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी के बारे में, और उसका टाइटल लिखते हैं मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी ऐसे बनाते हैं, तो ये सर्चेबल टाइटल नहीं है। तो आपको सर्चेबल टाइटल देना है, आपको यहाँ पे लिखना क्या है, मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, लोग इस तरह से सर्च करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सर्चेबल कंटेंट पे वीडियो बनाना है जिसे लोग सर्च करते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा वो आपकी कैटेगरी का होना चाहिए, यानी सर्चेबल कंटेंट तो हो लेकिन वो आपकी कैटेगरी का हो, तब जाके आपको फायदा मिलता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका कैटेगरी कुछ और है और किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे आपके चैनल का ग्रोथ नहीं दिखेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर व्यूज आ भी जाते हैं फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको ये हमेशा ट्राई करना है कि अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनानी है, जिससे कि आपके चैनल का ग्रोथ काफ़ी तेजी से हो जाएगा। और यहाँ पे एक वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो है राइट वायरल टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग। तो दोस्त, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अगर आप इस सेटिंग को मिस कर देते हैं तो फिर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्त, सबसे पहले ये समझिए कि व्यूज आता कैसे है। व्यूज दो तरह से आता है, पहला सर्च से और दूसरा सजेशन से, यानी यूट्यूब के रिकमेंडेशन से, चाहे वो ब्राउज फीचर से आए या फिर आपका नेक्स्ट वाला फीचर से आए। तो आज मैं आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा
जिससे आपका वीडियो सर्च में भी जाएगा और आपका वीडियो सजेशन में भी जाएगा, यानी कि आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड भी करेगा लोगों के सामने। और जिस भी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करता है उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा भी हो जाता है। और वीडियो वायरल होने के लिए एक तरीका और भी है कि जिस भी वीडियो पे ब्राउज फीचर से व्यू जाता है उस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है इस सेटिंग को। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीडियो को सर्च में कैसे ले जाते हैं। सर्च में ले जाने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना भी रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वीडियो सर्च में जाता कैसे है। तो वीडियो को सर्च में भेजने के लिए आपको सही तरीके से यहाँ पे टाइटल लिखना होगा और सही कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, सही टाइटल और कीवर्ड कैसे लिखा जाता है, सही टाइटल कीवर्ड कैसे फाइंड किया जाता है, इस पर मैंने फुल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च का जो बॉक्स है वहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे मेरा टॉपिक है व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा व्यूज कैसे, और यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब बहुत सारा कीवर्ड सजेस्ट करने लगता है, नीचे में बहुत सारा कीवर्ड आ गया है। तो इन सारे कीवर्ड में जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को वीडियो के टाइटल में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कीवर्ड है उसमें से जो मेन कीवर्ड है जिसे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं उस कीवर्ड को वीडियो के टाइटल में लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लगाना है और वीडियो के टैग्स में भी लगाना है। इतना करने से आपके वीडियो पे सर्च से व्यू जाना स्टार्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं वीडियो को सजेशन में कैसे भेज सकते हैं। तो वीडियो को सजेशन में भेजने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर देना है। ठीक है, उसे ऑन करने के बाद अपने टॉपिक को यहाँ पे सर्च कर लेना है, आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे अगर आप वीडियो बनाते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे सर्च कर लेना है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, और सर्च करने के बाद ऊपर में जो वीडियो आ रहा है यानी कि ऊपर का टॉप का 5 वीडियो का टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऊपर में जो वीडियो आ रहे हैं ऊपर का टॉप का 5 वीडियो का टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कॉपी करना नहीं आता है तो प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है बाई टूल करके, इस तरह से आप देख सकते हैं उसका लोगो इस तरह का है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना होगा उसके लिंक को ले लीजिएगा, लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा और नीचे में देखिए इस तरह से आ जाता है और यहाँ से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो चाहे आप कॉपी कर सकते हैं। तो इन 5 वीडियो के टाइटल को कॉपी करने के बाद उसे आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो आपका टाइटल मेन टाइटल है उसे सबसे पहले लिखना है, उसके बाद पहला वीडियो का टाइटल को यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद दूसरा वीडियो का टाइटल लिख देना है, यानी कि इस तरह से 5 वीडियो के टाइटल को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। उसके बाद ऊपर का ये 5 चैनल है इन चैनल के नाम को भी अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देना है, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है इन 5 चैनल का नाम, और इन्होंने जो हैशटैग यूज करके रखा है उस सारे हैशटैग को आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। इससे ये होगा कि इनके वीडियो पे तो व्यूज आ रहा है और जो भी लोग इनकी वीडियो देखेगा YouTube आपकी वीडियो को भी उनके सामने रिकमेंड करेगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जो ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी उसे उस टॉपिक की ज़रूरत होगी, तो इसलिए वो आपकी वीडियो को फुल वॉच करेगा जिससे आपको वीडियो पे स्टार्टिंग से व्यू जाएगा। यानी कि यही वो तरीका है जिससे कि YouTube वीडियो सजेशन में जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया वीडियो सर्च में कैसे जा सकता है और ये भी बताया वीडियो सजेशन में कैसे जा सकता है। अब दोनों तरीकों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा जिससे कि आपकी वीडियो पे व्यू जा सके। लेकिन वीडियो पे व्यू जाने का जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है मेक क्लिकेबल थंबनेल। तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे थंबनेल काफ़ी अच्छा बनाना है, यानी कि ऐसा थंबनेल बनाना है जिसे देखकर लोग क्लिक किए बिना नहीं रह सके। ठीक है, और थंबनेल में कुछ गलत लिखना भी नहीं है, ऐसा थंबनेल बनाना है जो आप वीडियो में बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ थंबनेल में दिखाना है कि इस वीडियो में ये मिलने वाला है। जैसे आप मेरा ओपन कैमरा वाला वीडियो ही देख सकते हैं, अगर इसमें मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर एक्सपोजर के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर सारी सेटिंग जो मैंने बताया है वीडियो में यहाँ पर मैं लिख के दिखा भी दिया हूँ, इसलिए लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि क्लिक करने से उन्हें पहले पता होता है कि इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। और अगर वीडियो में जाने के बाद यही चीज़ मिलता है तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और यूट्यूब पर जितना ज़्यादा इंगेजमेंट आता है, जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट आता है, यूट्यूब उस वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही से यहाँ पे थंबनेल बनाना होगा और थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लाइव एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी थंबनेल पिक्सल लाइव एप्लीकेशन से ही बनाता हूँ, लेकिन थंबनेल बनाने के लिए एप्लीकेशन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है कि थंबनेल में क्या क्या चीज़ को ऐड करना होता है, कलर कैसा लगाना है, टेक्स्ट कैसा लगाना है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। थंबनेल जो है बनाने तो हर कोई बताता है कि
इस एप्लीकेशन का यूज करके थंबनेल बना लीजिए, लेकिन ये नहीं बताता है कि थंबनेल कैसा बनाना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा कि थंबनेल कैसे नहीं कैसा बनाना चाहिए, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप देख सकते हैं थंबनेल के द्वारा ही मेरी हर वीडियो पे काफी अच्छा व्यू जाता है, स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा व्यू जाता है, जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग से ही मुझे वीडियो पे काफी अच्छा व्यू जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज को मैं फॉलो करता हूँ। स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं जितना भी कंटेंट मैंने बना रखा है वो हाउ टाइप है, यानी कि वो सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाया है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो सर्चेबल रखा है, सही तरीके से रखा है। और मैं जितना भी थंबनेल बनाता हूँ वो एकदम साफ सुथरा बनाता हूँ, ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ मैं, यहाँ पे सही चीजों को ही सिर्फ लिखता हूँ। तो आपको भी यही करना है कि थंबनेल ऐसा बनाना है जिसे देखकर लोग समझ सकें कि आपकी वीडियो में क्या मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो चौथा नंबर का पॉइंट है वह है प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आपको स्टार्टिंग से ही अपने ऑडियंस के लिए सही कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, तभी जाकर आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। अगर आप गलत कंटेंट स्टार्टिंग से बनाइएगा तो लोग आपके चैनल पे तो विजिट कर लेंगे, बट वो आपके कंटेंट को देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपकी वीडियो देखेंगे लेकिन वीडियो देखने के बाद वो बस एक दो मिनट देखेंगे और बस वापस चले आएंगे, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन नहीं बन पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से ऐसा कंटेंट बनाना है जो ऑडियंस को पसंद आए, यानी कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना है हमेशा स्टार्टिंग से ही। आप क्वालिटी कंटेंट तभी प्रोवाइड करवा सकते हैं जब आप किसी कंटेंट के ऊपर अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना है, और स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा कि स्क्रिप्ट सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। और स्क्रिप्ट के कारण ही मेरी वीडियो की एंगेजमेंट काफी अच्छा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियो का एंगेजमेंट काफी अच्छा होता है, और इस एंगेजमेंट के कारण ही मेरी चैनल पे व्यू जाता है, यूट्यूब मेरी वीडियो को लोगों के सामने रिकमेंड करता है। और पांचवें नंबर का जो पॉइंट है वो है क्लियर ऑडियो। तो जी हाँ दोस्तों, ऑडियो के द्वारा ही ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हो पाता है। अगर आपका वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो बात करते हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऑडियो के द्वारा ही आप मुझे सुन रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक साफ नहीं पहुँच पाती है तो आप नहीं समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका ऑडियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास अच्छा एप्लीकेशन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है फिर भी आप मोबाइल से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन है रेकफोर्ज, और रेकफोर्ज के ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखा है, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है उस वीडियो पे, तो आप भी जाकर जरूर देखिएगा। और रेकफोर्ज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आपके आसपास में नॉइज ज्यादा होता है, हल्ला ज्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है जिससे कि आप आसपास के नॉइज को कम कर सकते हैं। तो ये सेटिंग काफी मस्त है। इसके अलावा भी रेकफोर्ज में बहुत सारा सेटिंग है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेटिंग को यहाँ पे ऑन करना है, किसे ऑफ रहने देना है, तो आप यहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऑडियो को एडिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका ऑडियो क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज कीजिएगा, और अगर आप पीसी या लैपटॉप से ऑडियो एडिट करते हैं तो ऑडासिटी का यूज कीजिएगा। इसके यूज करने के बाद आपका ऑडियो की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका ऑडियो की क्वालिटी काफी बेहतरीन होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको लास्ट में एक प्रो बोनस टिप्स दूंगा, जिससे आपका चैनल का ग्रोथ काफी तेजी से होगा। तो अगर आप इस वीडियो में भी ध्यान दिए होंगे तो आप ये देखे होंगे कि इस वीडियो के साथ भी मैंने दो से तीन वीडियो को रिलेट किया है। जैसे अगर मैं थंबनेल के बारे में बता रहा था इस वीडियो में, तो मैं अपने पिछली वीडियो में थंबनेल के बारे में जो बताया हूं, उस वीडियो को भी इसमें लिंक किया हूं। जैसे मैं अभी भी बता रहा था कि आपकी ऑडियो की क्वालिटी काफी बेहतर होना चाहिए, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैं ये बताया हूं कि बेहतर ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सही तरीका क्या है। तो मैं यहाँ पे रिलेट किया हूँ, यहाँ पर ऑडियंस को बताया हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है कि आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं उसमें अपने अदर वीडियो का भी लिंक यहाँ पर देना है, यानी कि अदर वीडियो को भी किसी तरह से रिलेट करना है कि इस वीडियो को देखने वाले ऑडियंस आपकी दूसरी वीडियो पे भी जाएंगे, इससे आपका ऑडियंस इंगेजमेंट इंक्रीज होगा और आपके चैनल का ग्रोथ काफी तेजी से होगा। तो वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।